प्रभात नीट धांधली केस की जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। बिहार से झारखंड तक ईओयू की छापेमारी जारी है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की रेड। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए झारखंड में रेड डाली गई है। सिकंदर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो सकती है। एक एक करके ये जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि बिहार में जो आर्थिक अपराध शाखा है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीते दिनों आपको याद होगा कि बकायदा एक रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी भी गई, लेकिन अब ये जो तार हैं वो कहाँ तक जुड़ते हैं, क्योंकि अब जो खबर है वो ये कि हजारीबाग में बकायदा एक स्कूल था जहाँ पर सेंटर बनाया गया था, और जो सबसे पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ वो इसी सेंटर का था। बुकलेट की कॉपी का मिलान किया गया और उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, देवघर से गिरफ्तार 6 आरोपियों को लेकर के पूछताछ की भी खबर सामने आ रही है। सर्वेश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस पूरे मामले में पटना से लेकर के झारखंड तक लगातार कार्रवाई, लगातार एक्शन, और अब जिन लोगों को देवघर से गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में अभी तक और क्या इन्फॉर्मेशन है? आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में पेशी होने वाली है। सेकंड हाफ में किसी भी समय उनको पेश किया जाएगा और न्यायाधीश के सामने, क्योंकि मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। तो ईओयू जितनी भी जानकारी अभी तक इकट्ठी कर पाई है या आज तक वो कर पाएगी, वो तमाम जानकारियां वो सीबीआई को सुपुर्द करेगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि देवघर से परसों रात में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद पटना लाया गया। पटना में लगातार कल से अभी तक पूछताछ जारी है। चिंटू जो कि मुख्य इस मामले में एक तरह से कहा जाए तो आरोपी है, क्योंकि संजीव मुखिया और रॉकी के बाद अगर प्रश्न पत्र किसी के पास आए थे तो वो चिंटू ही है, और उसी ने तमाम आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर तमाम अभ्यर्थियों को दिए थे। तो एक तरह से चिंटू की गिरफ्तारी हुई है, इससे अहम सुराग मिले हैं संजीव मुखिया के बारे में। रॉकी के बारे में भी खुलासा हुआ है कि रॉकी के जरिए उसके पास क्वेश्चन पेपर आए थे, और रॉकी के पास जो क्वेश्चन पेपर की बात आ रही है वो हजारीबाग से एक प्रोफेसर के जरिए वहां से रॉकी के मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप पे आए थे। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं उसके आधार पे लगातार छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि संजीव मुखिया भी हो सकता है कि यूपी या झारखंड के किसी जिले में कहीं पे किसी सेफ हाउस में कहीं छिपा हुआ है, और इसकी तलाश में लगातार झारखंड से लेकर बिहार यूपी तक छापेमारियां लगातार जारी है। हालांकि अभी तक संजीव मुखिया और रॉकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार कोशिश जारी है लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। सर्वेश, क्योंकि इस पूरे मामले में देवघर से जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक चिंटू भी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसके रोल को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि बीच में खबर ये भी आई कि संजीव मुखिया का बहुत करीबी है, क्या पूछताछ में संजीव मुखिया को लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आई है इस चिंटू से? जी प्रिया, मैंने आपको अभी बताया कि चिंटू के मोबाइल पे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आए थे, और संजीव मुखिया का जो भगीना है रॉकी उर्फ राकेश, राकेश ने चिंटू को ये क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के जरिए भेजा था, और तीनों ही, चाहे वो संजीव मुखिया हो, रॉकी हो या चिंटू हो, तीनों नालंदा जिले से आते हैं, और किराए पर सुराए का रहने वाला चिंटू है, हिलसा का रहने वाला संजीव मुखिया और रॉकी है। तो ये तीनों लोगों की भूमिका जो है इस पूरे मामले में संदिग्ध है। माना जा रहा है कि सॉल्वर गैंग को इन्हीं लोगों ने इस पूरे मामले में सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल किया है। रांची और पटना के 10 पीजी डॉक्टर्स हैं जिनको कि ये क्वेश्चन पेपर दिए गए, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। तो ये तमाम चीजें जो है इनके चिंटू की गिरफ्तारी से बहुत सारे राज खुले हैं, और अभी और राज खुलने बाकी हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला अब सीबीआई को सुपुर्द किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में आज चिंटू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि आज तो संडे है इसलिए कोर्ट में नहीं, न्यायाधीश के घर पे छज्जू बाग, पटना में छज्जू बाग में सीजीएम का जो आवास है वहां पे सेकंड हाफ में बताया जा रहा है किसी भी वक्त ईओयू की टीम लेकर जाएगी इन तमाम 6 आरोपियों को, और वहां पे पेश करने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर रिमांड पर लेने की बात की जाएगी ईओयू की तरफ से। लेकिन जो पूरा इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही है कि बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि संजीव मुखिया अभी तक फरार है। कुल 8 आरोपी और इसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। सर्वेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।